नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला में। और यह जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं डेयरी फार्म, और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है लगभग 7 से 8 साल पहले जो है शुरू किया गया था। स्टार्टिंग में ये दूध सेल करते थे, लेकिन क्या मजबूरी हुआ, क्या दिक्कत हुआ कि इन्होंने दूध न सेल करके दूध का प्रोडक्ट बनाने लगे। और आज जो है इनके साथ हजारों किसान जो है जुड़े हुए हैं और दर्जनों लोगों को ये रोजगार दिए हैं। सारा कुछ जो है इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे, काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो है। आज जो है इस डेयरी फार्म से ये जो है आलिशान जो है घर भी बना चुके हैं। तो इनके संघर्ष की कहानी जो है उन्हीं की जुबानी हम जानेंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी हम आपके लिए ला सकें। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि यह आपका जो फॉर्म है कहाँ पर है। पहले हम सभी इसी दर्शन से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम पंकज सिंह है, ग्राम नवली तोरवा, जिला चंदौली। आप कितने दिनों से इस डेयरी प्लांट को सर चला रहे हैं, क्योंकि आप बता रहे थे कि इसके पहले जो पिताजी थे गाय रखे थे। हाँ। और गाय के बाद जो है आप डेयरी प्लांट में आ गए, इसके पीछे क्या? मेरे पिताजी पहले अच्छी नस्ल की गाय रखकर दूध का काम करते थे जी। पिताजी दूध का काम कर को हम लोग आगे बढ़ाए, बढ़ा के उसको हम प्रोडक्ट तैयार करना शुरू कर दिए। प्रोडक्ट में हम दूध का छेना, पनीर, खोआ, मक्खन, क्रीम, रबड़ी, दही और तो, कुछ चीज़ें तैयार करते हैं। तो आप दूध ना सेल करके सर आप प्रोडक्ट पर क्यों आ गए, आप इसके पीछे रीजन बताएंगे? दूध दूध के सेल में मार्जिन कम थी, अपना प्रोडक्ट तैयार करने में मार्जिन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई और अपना सप्लाई भी अच्छी बहुत बढ़िया अच्छी है। तो स्टार्टिंग कितने साल पहले किए थे सर? सर हम स्टार्टिंग करीब 7-8 साल पहले किए थे जी। तो आपने छोटे स्तर से शुरू किया था कि बड़े स्तर से? हम बहुत छोटे स्तर से शुरू काम किए थे जी जी। इसके बाद पहले हम लोग गैसेस पर काम करते थे छेना पनीरों का जी। आज के डेट में हम बॉयलर से काम कराते हैं, प्रोडक्शन मेरा ज्यादा हो गया जी। करीब एक दिन की सप्लाई हमारी 10-15 क्विंटल पर डे की है। पर डे 10 से 15 क्विंटल हो जाता जी, है जी। 10-15 क्विंटल हमारी सप्लाई पर डे की है। हमारी हमारा कई गाँव में डेयरी भी चलती है, करीब हमारे इसमें 15-20 गाँव में डेयरी चलती है, जो डेयरी का नाम माँ अन्नपूर्णा डेयरी के नाम से चलता है जी। जी सर। तो ये हम देख रहे हैं सर जो बॉयलर बॉयलर जो सिंगल वाला है ये कितने का पड़ जाता है आपको? सर ये बॉयलर करीब 9 लाख रुपए का है, करीब 9 कढ़ाई की बॉयलर है जी। इस समय हमारे 6 कढ़ाई लगी हुई है, इससे हमारा माल अधिक से अधिक तैयार होता है। तो अगर कोई एक से स्टार्टिंग करना चाहता है सर तो कैसे करे, कितना खर्च लगभग पड़ जाए? सर एक से स्टार्टिंग करना हो तो मान के चलिए कि खर्च करीब 3-3.5 लाख रुपए आएगा जी। छोटा काम के लिए एक बॉयलर है, लेकिन हमारे यहाँ काम ज्यादा है, इसलिए हम करीब 6-7 कढ़ाई यूज करते हैं इसमें। तो ये हम देख रहे हैं सर इससे क्या क्या आप तैयार करते हैं, अभी क्या बन रहा है इस समय? सर इससे छेना का काम हो रहा है, छेना मतलब दूध खोलाकर छेना वाला पनीर काम होगा जी। जी सर। तो 1 केजी छेना या पनीर तैयार करने में कितना दूध? सर 1 केजी छेना तैयार करने में आपको 5 लीटर दूध में 1 किलो छेना तैयार होता है। तो आप किस रेट से सर दूध लेते हैं? सर दूध हम तो गाय का करीब 30-35 रुपए तक लेते हैं जी। अब भैंस का 45 और 50 के रेट में लेते हैं। अधिक दूध हम सर फैट के बेस पे लेते हैं, जिसकी मात्रा होती है 65.94 रुपए। केवल चंदौली जिला से ही दूध कलेक्ट करते हैं कि अदर अगर डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई है? नहीं नहीं, सिर्फ अभी चंदौली जिला से दूध कलेक्ट कर रहा हूँ जी। आगे की तैयारी अपनी है और जिलों में लगाने के लिए। तो दूध सर लोग लेकर के पहुंचाते हैं या खुद कलेक्ट? सर मेरी जो डेयरी लगी हुई है वहाँ किसान आकर पहुंचाते हैं, प्लस यहाँ बल्टे वाले जो हैं जो गांव के बल्टे वाले हैं वो लाकर हमारे घर पहुंचाते हैं। पेमेंट उन लोगों का कैसे करते हैं? पेमेंट सर रोज का रोज है, पर डे पेमेंट हो जाता है, सुबह का सुबह और शाम का शाम। हमारी डेयरी पर भी सुबह का पेमेंट सुबह, शाम का पेमेंट शाम को होता है। अभी आपको ऐसा नहीं लगा सर कि आप इस लाइन में आकर के बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगा, शुरुआत में थोड़ा दिक्कत हुआ। तो क्या क्या परेशानी हुआ सर शुरुआत? शुरुआत में थोड़ा माल सेल करने में दिक्कत हुआ, ग्राहक बनाने में दिक्कत हुआ, लोगों में अपनी पहचान बनाने में दिक्कत हुआ। अब कुछ कठिनाइयाँ आई, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है। करीब इस समय हमारा सप्लाई 2-3 जिलों में जाता है, चंदौली, गाजीपुर, बिहार, वाराणसी। वाराणसी के अच्छे अच्छे होटलों में हमारा माल जाता है इस समय।
तो माल सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? कोई दिक्कत नहीं, माल तो कम पड़ जाता है सर। हम आपके पास देख रहे हैं सर, घी भी आप तैयार करते हैं? जी हमारे यहाँ घी कैसे तैयार करते हैं? जी हमारे यहाँ क्रीम निकलता है, क्रीम की मशीन लगी हुई है जी। क्रीम से हम लोग देसी घी बनवाते हैं जी। घी की हमारी अच्छी क्वालिटी होती है, करीब महीने में करीब 2-2.5 क्विंटल घी की सेलिंग हमारी है। जो घी का रेट है सर, किस रेट से सेल करते हैं? जी हमारे यहाँ देसी घी 600 रुपया किलो के रेट से सेल होता है। 600 रुपया सेल कर देते हैं। तो अभी ये जो हम देख रहे हैं सर, ये क्या है? पनीर बन रहा है? हाँ ये पनीर है, सब सप्लाई में बाहर जा रहा है जी। 1 केजी पनीर कितने में तैयार होता है दूध में? ये 1 केजी पनीर करीब आपको 6 लीटर दूध में 1 किलो पनीर तैयार होता है। तो अभी किस रेट से सर सेल हो रहा है इसका भी? पनीर इस समय हमारे 250 के रेट में सेल हो रहा है। तो लगन में तो थोड़ा अप डाउन भी होता है? हाँ लगन में वही 250-300, आप सीजन में 200 रुपए भी किलो पनीर बिकता है। और ये छेना है सर ना? जी ये छेना है, ये शुद्ध गाय के दूध का छेना है जी। इससे रसगुल्ला, स्पंज, राजभोग सब तैयार होती है, अच्छी क्वालिटी की मिठाइयाँ। आप मिठाई भी तैयार करते हैं क्या? नहीं नहीं मिठाई तैयार नहीं करते, मिठाई का प्रोडक्ट लगाने वाले हैं, बहुत जल्दी चालू करेंगे मिठाई बनाना भी, मिठाई बनाकर मार्केट में सप्लाई देंगे। तो कितना परसेंट का मार्जिन हो जाता है सर इसमें? सर व्यापार में करीब 25-30% का मार्जिन है। 25-30% का मार्जिन है जी, 25-30% का मार्जिन है। दूध सेलिंग करने में आपको मार्जिन करीब मान चलिए 15% होगा जी। अगर आप प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो उसका 25% सेलिंग मतलब मार्जिन मिलेगा आपको जी। और हम देख रहे हैं सर आप बहुत सारे किसानों को भी जोड़े हुए हैं, हजारों किसान आपके साथ जुड़े हुए हाँ हैं। सर हमारे कई डेयरियों पर कम से कम हजारों किसान जुड़े हुए हैं जी, जो दूध लाते हैं, दूध पैदा करते हैं, गाय भैंस रख के अच्छी नस्ल की, वो हमारे डेयरियों पर दूध देते हैं, उनको नगद पैसा मिलता है, हमारे सिस्टम में उनका भी परिवार अच्छे ढंग से चलता है। जो स्कीम लगाए हैं सर, तो ये कैसे वर्क करता है? ये है बॉयलर सर, बॉयलर इसका काम है, इसमें पानी से चलता है, पानी को भाप बनाता है जी, भाप बनाकर स्टीम बनाकर ये पूरे कढ़ाइयों को सप्लाई देता है। ये वाला जो पाइपलाइन है? हाँ ये पाइपलाइन से जी पूरा ये भाप देता है, जिससे खोवा, पनीर, छेना सब वगैरह वगैरह चीज तैयार होती है। और जो आप बीएमसी मशीन लगाए हुए हैं सर? सर वो बीएमसी मशीन हम दूध स्टॉक करते हैं, करीब हमारे 6,000 लीटर दूध का इस समय मशीन लगी हुई है जी। ये कितना लीटर का है सर? सर ये करीब 1500 लीटर का बीएमसी है जी। इसमें दूध 2-3 दिन 4 दिन 6 दिन तक खराब नहीं होता है जी। तो किसानों से लेकर के कलेक्ट करते हैं? हाँ जो किसानों से दूध कलेक्ट होता है जी, उस मशीन में आकर रख जाता है, ये सुबह सब इसका प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में सेलिंग कर दिया जाता है। तो ये किस रेट में मिला सर आपको? ये करीब हमको पड़ी है 3.5 लाख रुपए की ये मशीन। 3.5 लाख का जी। और वो कितना लीटर का है सर? सर ये मशीन है करीब 2500 लीटर की जी। 2500 लीटर की मशीन है, इसमें भी दूध का वही सिस्टम है, दूध भी इसमें रखा जाता है। और ये? ये कंप्रेसर है, दूध को ठंडा करता है, ठंडा करने के लिए जी। अगर और कोई सर आज के अगर युवा डेयरी प्लांट लगाना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत करें, क्योंकि आपको काफी अनुभव है इस डेयरी प्लांट में? हम सभी नौजवान साथियों से यही अनुरोध करेंगे जी कि शुरू में अपने छोटा फर्म काम शुरू करें जी। पहले गाय रखें, गाय रखकर दूध पैदा करें, दूध पैदा करने के बाद अपना प्रोडक्ट छोटा मोटा तैयार करें, करते करते काम को आगे बढ़ाएं। सर हमारे यहाँ इसमें टोटल वर्कर करीब 16-17 लोग हैं जी। कुछ लोग यहाँ माल फाड़ते हैं, कुछ लोग माल तैयार करते हैं, कुछ लोग माल सप्लाई वाले हैं, पहुँचाते हैं। तो कहाँ कहाँ अगर कोई घी लेना चाहता है सर, या आपके यहाँ से पनीर छेना लेना चाहता है, तो कहाँ कहाँ तक आप सप्लाई कर सकते हैं? हमारी सप्लाई कहीं भी है, फोन मेरा नंबर है, फोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं जी। हम कहीं भी माल भेजा सकते हैं गाजीपुर जिला, आप ऑर्डर देंगे आपके यहाँ समय पर माल पहुँच जाएगा, किसी भी शुभ अवसर पर हमारा माल आप मांग कर देखिए, हमारी अच्छी क्वालिटी है माल की। अगर कोई आपसे सुझाव लेना चाहते हैं सर, तो सुझाव आप दे सकते हैं? एकदम मैं सुझाव दे सकता हूँ, जिसे मुझे सुझाव लेना हो मेरे नंबर पर संपर्क करें। यहाँ पर कुछ ग्राहक बैठे हुए हैं, आप कहाँ से आए हैं सर? मैं रमरजाय से आया हूँ सर। नाम क्या पड़ेगा आपका? राम किशन यादव। आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हुए हैं? छेना के लिए आए हैं सर। छेना यहाँ से ले जाते हैं? जी। परमानेंट ले जाते हैं? जी। फर्स्ट बार ले जा रहे हैं? जी परमानेंट। परमानेंट कैसा रहता है क्वालिटी यहाँ का? क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है सर।
कभी शिकायत कस्टमर आपसे नहीं करते नहीं। हैं कि कैसा खोवा देती है? कभी नहीं, कभी नहीं। संतुष्ट है यहाँ से? जी सर। आप सर कहाँ से आए हुए हैं? मेरा घर ओड़ौला है, मेरा नाम जितेंद्र कुमार तिवारी है जी, और मैं यहाँ घी के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ घी का क्वालिटी बहुत ही सुपर है जी, और रेट भी अन्य कंपनियों से बहुत सस्ता मिलता है। यहाँ 500 से 550 रुपए केजी घी मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का। तो घी जो फर्स्ट बार ले जा रहे हैं कि इसके पहले ले गए हैं सर? नहीं, हम अपने परिवार के लिए हमेशा यहाँ से ले जाते हैं, बच्चे सब लोग खाते हैं। क्वालिटी में? क्वालिटी बहुत लाजवाब है। आप कहाँ से आए हैं सर? सर बेवदा से, मेरा नाम दिव्यांशु मिश्रा है जी। मैं यहाँ दूध लेने के लिए आया हूँ। दूध ले जाते हैं यहाँ से? ले जाकर क्या करते हैं सर? मतलब बिक्री करता हूँ। बिक्री करते डायरेक्ट कस्टमर को आप देते जी, हैं जी। तो दूध की क्वालिटी सही रहता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक और जो है ग्राहक आए हुए हैं, आप अपना नाम बता दीजिए सर। पप्पू यादव सर। कहाँ से आए हैं? बसगांव से। तो आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं सर? दूध लेकर आते हैं यहाँ। आप दूध लेकर के आते हैं तो पैसा सही से लोग दे देते हैं? पैसा सही मिलता है कि दौड़ाते हैं? नहीं नहीं, पैसा सही मिल जाता है। पर डे मिलता है? हाँ, कि वीकली मिलता है? नहीं, पर डे मिल जाता है। पर डे मिल जाता है। तो किस रेट से अभी यहाँ पर मिल जा रहा है दूध आपका? दूध का रेट 35-36 मिल जाता है जी। और बाहर भी कुछ ग्राहक बैठे हुए हैं, इनसे हम जानेंगे। आप कहाँ से आए हैं सर? पैगापुर से आए हैं। पैगापुर से। क्या नाम पड़ेगा आपका? जितेंद्र यादव। तो आप यहाँ पर दूध लेने आए हैं या दूध? छेना पनीर लेने आते हैं। छेना पनीर ले जी, छेना हमेशा ले जाते हैं कि? जी नहीं, कभी कभी सुबह सुबह ब्याह शादी बर्थडे सडे ऐसे तो हुआ। तो यहाँ पर अच्छा क्वालिटी का मिल जाता जी, है? जी, अच्छा क्वालिटी मिलता है, उचित रेट पर मिलता है। रेट में कोई? नहीं नहीं, एकदम बढ़िया से मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का मिलता है, बढ़िया रेट मिलता है। तो आप कहाँ से आए हैं सर? नानापुर। क्या नाम पड़ेगा आपका? बबलू प्रजापति। तो आप यहाँ पर क्या ले जाते हैं? छेना पनीर। कितना दिन से ले जा रहे हैं? लगभग 2 साल से। 2 साल से। कैसा रेट और क्वालिटी मिलता है? सब बढ़िया है। बढ़िया मिलता है, कभी आपसे ग्राहक शिकायत नहीं किए? नहीं, शिकायत नहीं। रेट बढ़िया मिल जाता है? हाँ। आपका दुकान है कि मतलब? नहीं, दुकान है श्री हनु स्वीट हाउस, धानापुर मेन चौक पर है। हाँ, मेन चौराहा वहीं वाले रोड पर।